खबर दोस्तों, गैस चैम्बर में जीने से बेहतर है जनता को एक ही बार में 20 फुट से उड़ा दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई के दौरान सोमवार को पंजाब सरकार को फिर फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव पंजाब से कहा है कि हम राज्य की हर मशीनरी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, आप इस तरह के लोगों को मरने नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में दमघोटू माहौल है क्योंकि आपने सक्षम कदम नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कड़े शब्दों में कहा, लोगों को गैस चैम्बर में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, इससे बेहतर उन्हें एक बार में ही मार दिया जाए, 15 बैग्स में 20 फुटों को से उड़ा देना बेहतर है, आम जनता यह सब क्यों सहन करे, दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हम हैरान है। दोस्तों, जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा, दिल्ली नर्क से बेहतर हो गई है, देश में जिंदगी सस्ती है। इसी के साथ दिल्ली में सत्तासीन सरकार को लेकर कहा, दिल्ली की सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। दोस्तों, वहीं दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र और राज्य के दो केंद्र होने चलते दिक्कत पेश आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि दोनों अपने बीच दूरी कम करें और एक साथ बैठकर 10 दिन के भीतर शहर के विभिन्न भागों में एयर प्यूरिफाइंग टावर्स लगाएं। दोस्तों, दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर रहे वाहनों के प्रति सख्त रवैया अख्तियार करते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC ने पिछले 8 दिनों में छोटे बड़े 63 वाहनों से 49,15,000 रुपये का एनवायरमेंटल कंपनसेशन वसूल किया है। बड़े वाहनों पर 1,00,000 रुपये और छोटे वाहनों पर 50,000 रुपये का EC लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर DPCC ने यह जुर्माना 15 से 23 नवंबर के बीच चलाए गए अभियान के दौरान वसूल किया है। खबर है दोस्तों, दिल्ली असम सहित कई राज्यों को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम, IED विस्फोटकों के साथ 3 आतंकी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के हिसाब से गिरफ्तार लोग दिल्ली असम सहित कई राज्यों में हमले की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि दिल्ली दहलाने की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली में ID के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आईडी मिलने की सूचना से पुलिस लेकर प्रशासन हर जगह सतर्क हो गया है। सुरक्षा एजेंसी राजधानी में आईडी मिलने की सूचना से चौकस हो गई है। दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को पकड़कर एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दिया है। अभी तक मिली अपुष्ट जानकारी के मुताबिक तीनों संदिग्ध IS से जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच में दिल्ली पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में आईडी विस्फोटक भरा सामान बरामद किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा इनकी गिरफ्तारी गुवाहाटी से की गई है। ये तीनों संदिग्ध बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। गिरफ्तार लोग दिल्ली असम सहित कई राज्यों में हमले की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, बता दें कि आईडी का इस्तेमाल आतंकी हमले में किया जाता है, इसलिए कहा जा रहा है कि दिल्ली के ऊपर बड़ा खतरा था जो पुलिस ने नाकाम कर दिया है। हालांकि पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है, कहीं किसी आतंकी संगठन का तो इसके पीछे हाथ नहीं है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली अक्सर आतंकियों के निशाने पर रहा है। खबर दोस्तों, भारतीय टैक्सी ड्राइवर ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों से पैसे लेने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पारी की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही पाकिस्तान की टीम ने पहला मैच ब्रिस्बेन में खेला। ब्रिस्बेन में भारतीय टैक्सी ड्राइवर ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से सफर के बाद पैसे लेने से मना कर दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी, यासिर शाह और नसीम शाह ने ब्रिस्बेन में भारतीय टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी से यात्रा की, जिसके बाद उन्होंने जब पैसे दिए तो ड्राइवर ने पैसे लेने से मना कर दिया। यह बात ऑस्ट्रेलिया के एक रेडियो प्रेजेंटर एलिशन मिशेल ने बताया। दोस्तों, मिशेल ने बताया कि उनकी वाकये की जानकारी कैब ड्राइवर से मिली, जिसने उन्हें ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम की यात्रा के दौरान किस्सा सुनाया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला गया। यात्रा के दौरान टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स को होटल से एक भारतीय रेस्टोरेंट में डिनर के लिए छोड़ा और बदले में पैसे नहीं लिए। कमाल की बात यह रही कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जब भारतीय ड्राइवर ने पैसे लेने से मना किया तो उन्होंने उनको बदले में अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाया। रविवार को पाकिस्तान की टीम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में
पारी और 5 रन से हार का सामना करना पड़ा। मैच के चौथे दिन पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी पारी में 335 रन ही बना पाई। पहली पारी में पाकिस्तानी बल्लेबाज महज 240 रन पर ढेर हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 580 रन का स्कोर खड़ा कर पाकिस्तान पर 340 रन की बढ़त हासिल की थी। दूसरी पारी में पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने तो 104 रन बनाए, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 97 रन। बड़ी खबर है दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में सफर होगा और आसान, किराए में कुछ खास वर्ग को मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क का दायरा बढ़ा है, साथ ही तकनीकी खराबी से परिचालन प्रभावित होने के मामले भी बढ़े हैं। फेज 4 की मेट्रो परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होने वाला है, लेकिन अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा नहीं हो पाई है। मेट्रो के किराए में कुछ खास वर्ग के लोगों को राहत देने की बातें भी उठी है। गुरुग्राम की रैपिड रेल के परिचालन की जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का नेटवर्क 389 किलोमीटर हो गया है। इतने बड़े नेटवर्क पर प्रतिदिन सुचारू रूप से मेट्रो चलाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली मेट्रो की एक एक लाइन 50 किलोमीटर लंबी है, ऐसे में समय की पाबंदी व विश्वसनीयता बरकरार रखना भी चुनौती है। मेट्रो की तकनीकी खराबी की घटनाएं बहुत ही कम होती है, रुक रुक कर चलने की बात तब होती है जब यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हो। मेट्रो के सामने ट्रैक पर थोड़ा भी अवरोध महसूस होने पर सिग्नल नहीं मिलता, यह मेट्रो के सिस्टम में ऑटोमेटिक जुड़ा है। इससे रफ्तार कम हो जाती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हर 2-2.5 मिनट पर मेट्रो ट्रेनें स्टेशन पर आती हैं, इससे एक ट्रेन की रफ्तार कम होने पर उसके पीछे मेट्रो की लाइन लग जाती है। वैसे 99.9% बार मेट्रो सही समय से चलती है, सिर्फ 0.1% मामलों में देरी होती है। कोई भी सिस्टम 100% तकनीकी खराबी से मुक्त नहीं हो सकता है। खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र के विपक्षी दलों का 162 विधायकों के समर्थन का दावा। शरद पवार बोले, अजीत की बगावत के पीछे मेरी भूमिका नहीं। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान ही शिवसेना, कांग्रेस और रांकापा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को 162 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा। हालांकि तीनों दलों ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में 154 विधायकों का हलफनामा सौंपा था, जो उन्हें वापस लेना पड़ा था। इस बीच राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी लाइन से अलग जाकर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने वाले अपने भतीजे से पल्ला झाड़ लिया। शरद पवार ने कहा कि अजीत के बगावत के पीछे मेरी कोई भूमिका नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार सुबह राज्यपाल के सामने सीएम पद की शपथ ली थी और उनके साथ अजीत ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। इसके अगले दिन अजीत ने कहा था कि वे राकांपा में थे और रहेंगे। साथ ही यह भी कहा था कि भाजपा राकांपा गठबंधन राज्य में स्थिर सरकार देगी। हालांकि तब भी शरद पवार ने कहा था कि ऐसा कोई गठबंधन राकांपा नहीं करेगी। शरद पवार ने कहा कि यह अजीत पवार का शपथ लेना और भाजपा को समर्थन करना पार्टी का फैसला नहीं था और हम इसे समर्थन नहीं करते। यह कहना गलत है कि अजीत की बगावत के पीछे मेरा कोई हाथ है। मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हुआ है। उसे पार्टी से निकाला जाना है या नहीं, इसका फैसला पार्टी स्तर पर लिया जाएगा। और इस बात को लेकर कोई भी शक नहीं है कि महाराष्ट्र में राकांपा, शिवसेना और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे। राकांपा विधायक दौलत दरोड़ा, नरहरी जीरवाल और नितिन पवार मुंबई लौटा है। ये सभी विधायक शनिवार को अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल थे। हालांकि मुंबई लौटने पर इन सभी विधायकों ने राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के प्रति समर्थन जाहिर किया। कांग्रेस के बाला साहब थोराट, अशोक चौहान, राकांपा के जयंत पाटिल और शिवसेना के एकनाथ शिंदे साथ ने सोमवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की गैर मौजूदगी में राजभवन में मौजूद अधिकारी को विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंपा। पाटिल ने कहा कि इस सूची में 162 विधायकों के नाम और हस्ताक्षर है, हम किसी भी वक्त राज्यपाल के समक्ष इनकी परेड करा सकते हैं। और बड़ी खबर है दोस्तों, अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 केस बंद। जी हां दोस्तों, अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद ही 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े 9 मामलों की फाइल बंद कर दी गई है। यह घोटाला विदर्भ क्षेत्र में हुआ था और महाराष्ट्र का एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जाँच कर रहा था। हालांकि यह साफ नहीं है कि बंद किए गए इन 9 मामलों में अजीत आरोपी थे या नहीं। न्यूज एजेंसी ANI ने ACB के सूत्रों के हवाले से बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल छिपी चिट्ठी में जिन मामलों का जिक्र है वे अजीत से जुड़े नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि मामले सशर्त बंद किए गए हैं, यानी कोई नई जानकारी सामने आने पर इन्हें जांच के लिए दोबारा खोला जा सकता है। यह मामला उस वक्त का है जब राज्य में कांग्रेस और राकांपा की गठबंधन सरकार थी। 1999 और 2014 के बीच अजीत की सरकार
में अलग अलग मौकों पर सिंचाई मंत्री थे। आर्थिक सर्वेक्षण में यह सामने आया था कि एक दशक में सिंचाई की अलग अलग परियोजनाओं पर 70,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद राज्य में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार महज 0.1% हुआ। परियोजनाओं के ठेके नियमों को ताक पर रखकर कुछ चुनिंदा लोगों को दिए गए।